समुद्र में फंसे हुए जो पाए को कई महीने बीत चुके होते हैं। पाए जिस बोट पे होता है उस बोट पे एक टाइगर होता है, लेकिन बीतते वक्त के साथ जो उसने टाइगर को ट्रेन कर लिया होता है। खाने के लिए वो जो मछलियों को पकड़ता है और पीने के लिए जो हम बारिश के पानी को बाल्टी में स्टोर करके रखता है और उसे पीता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं पाए की बचने की उम्मीद जो छूटती जा रही होती है। एक रात काफी बड़ा तूफान आता है जिसके डर से पाए और ये टाइगर जो बोट के अंदर छुप जाते हैं। जैसे सुबह उनकी आँख खुलती है तो वो अपने आपको एक आइलैंड पे देख रहे होते हैं। पाए यहाँ पर इतना भूखा होता है कि वो इस आइलैंड की घास को खाना शुरू कर देता है। अब इस आइलैंड पे जो लाखों की तादाद में जो नेवले होते हैं। पाए को यहाँ पर एक तालाब दिखता है जिसमें वो डुबकी मारता है और काफी सारा पानी पीता है। रात को वो जो पेड़ के ऊपर लेटा हुआ था वो पेड़ के एक फूल को तोड़ता है। जैसे फूल की पंखुड़ियों को हटा के देखता है तो उसके अंदर उसका एक दांत दिखता है। अब वो जैसे नीचे की तरफ देखता है तो वो देखता है कि इस आइलैंड के तालाब का पानी जो है एसिड में बदल चुका होता है। पाए समझ जाता है कि अगर वो इस आइलैंड पर ज्यादा वक्त तक रहा तो वो इस आइलैंड पर बिल्कुल नहीं बच पाएगा। इसलिए पाए जो अगली सुबह जो काफी सारा खाना और काफी सारा पानी को जो यहाँ से लेके निकल लेता है। समुद्र में कुछ और दिन बिताने के बाद जो वो फाइनली जो मेक्सिको के बीच तक पहुंच जाता है। पाए की मदद यहाँ पर जो कुछ लोकल लोग करते हैं। 227 दिन समुद्र में बिताने के बाद जो फाइनली पाए की जान बच चुकी है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।